हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। शायद आप लोगों का जो है आजकल थोड़ा जो है जो पेपर पटवारी का पेपर लीक हो गया था उसकी वजह से आप लोगों का मन खराब हो गया होगा। तो मेरा सभी लोगों से, सभी बच्चों से और जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र, सभी से निवेदन मैं करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है अपना मन खराब ना करें। अब आगे जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड का जो है 5-6 दिन के अंदर जो पेपर होने वाला है, तो आप फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है उसको अच्छे से दें। और जो पटवारी का पेपर जो लीक हुआ है, तो इसमें क्या है, एक बहुत बुरा भी हुआ है, लेकिन एक आगे के लिए हमें जो है एक रास्ता मिल गया है। आगे के लिए जो कानून बनेगा वो ठोस कानून बनेगा और जो ऐसे चोर, जो अपराधी हैं, जो पापी हैं, उनको एक बहुत बढ़िया एक कानून के दायरे में एक सज़ा मिलेगी। और हम सरकार से और जो उत्तराखंड विधानसभा है उसके जो 70 विधायक हैं उनसे निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है उत्तराखंड के लिए एक ऐसा मजबूत कानून लाइए कि अगर इस तरह से अपराधी जो है जो लोग जो है पेपर को लीक कराते हैं, पेपर चोरी करते हैं, उनको उम्र कैद की सज़ा हो कम से कम। हम तो चाहते हैं कि एक दो को फांसी पर लटका दो ताकि जो है आगे रूह कांप जाए, आगे जो है ऐसा भविष्य में कोई ऐसा दुस्साहस न कर पाए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप जो है अपना मन खराब ना करें, जो आपके आगामी जो पेपर है उसको आप अच्छे से दें और जो भी आगे जो कानून बनेगा वो अच्छा कानून बनेगा, एक बढ़िया कानून बनेगा, आगे आने वाले पेपर अच्छे से होंगे, ठीक, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई भी करनी है, ठीक है, पढ़ाई आपको करते रहना है, हमारा कर्म धर्म जो है वो पढ़ाई करना है, और आपको टेस्ट भी देने पड़ेंगे और जो ये व्यवस्था है इसको भी इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यही कर सकते हैं कि हम सरकार से और उत्तराखंड के जो भी विधायक हैं जो इस सिस्टम में हैं, तो कि आप जो है मजबूत कानून बनाएं, जो भी ये इस तरह से चोरी करते हैं उनको जो है कठोर कानून के तहत जो है जेल के सलाखों के पीछे और उम्र कैद की सज़ा दें उनको, ठीक है। तो हम जो है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के जो देखो अभी पेपर होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का, तो मैं थोड़ा सा जो है जो उत्तराखंड के जो चार धाम में आपका ये गंगोत्री है, यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, थोड़ा जो गंगोत्री जो धाम है उसका जिक्र मैं कर रहा था, उसका थोड़ा सा अध्ययन। देखो गंगोत्री मंदिर जो है इसका निर्माण, गंगोत्री मंदिर ये आपका पड़ता है उत्तरकाशी जिले में, और इसका निर्माण जो कराया था गोरखा जो सरदार था, ये नेपाली सरदार था, ये अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम के पूर्वज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के पाप को धुलने के लिए जो गंगा है इसको स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। और यहाँ पर जो गंगोत्री मंदिर है इसके समीप में एक शिला है जिस पर बैठ करके राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या करी थी और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था। तो गंगोत्री मंदिर के बारे में विषय में थोड़ा सा बता रहा था आपको, जो गंगोत्री मंदिर है इसका निर्माण करा था अमर सिंह थापा ने, जो कि ये गोरखा सरदार था, ठीक है। और ये लगभग 1807 की बात है, 1807 की बात है, 19वीं सदी की बात है, उसमें इसका निर्माण कराया था। फिर इसका पुनर्निर्माण जो है ये जयपुर के राजा हुए माधव सिंह, उन्होंने 1935 में इसका पुनर्उद्धार कराया था, प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने 1807 में, और पुनर्उद्धार जो करा था माधव सिंह ने, जयपुर के राजा थे माधव सिंह ने 1935 में, ठीक। अब इस मंदिर का जो पुनरुद्धार है वो माधव सिंह ने कराया था, निर्माण अमर सिंह थापा ने कराया था। और दूसरी इसके विषय में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि लोकेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो ये भटवाड़ी जो ब्लॉक पड़ता है उत्तरकाशी में, तो वहाँ पर जो है ये मंदिर स्थित है। ये जो भागीरथी नदी है उसके तट पर है, और यहाँ पर केदार गंगा भागीरथी मिलती है, उसके संगम पर ये जो है मंदिर स्थित है। और यहीं पर भागीरथी शिला है जहाँ पर राजा भगीरथ ने तपस्या करी थी। भैरवनाथ का मंदिर बोलते हैं, भैरवनाथ का मंदिर भी जो है इसके निकट ही समीप है, ठीक है। और यहाँ से दूसरा प्रश्न ये निकलेगा कि जो ये आपका गंगोत्री मंदिर है इसमें जो शीतकाल है, जैसे आजकल ठंड है, तो ठंड में क्या होता है, शीतकाल में जो इसकी पूजा होती है वो मुखवा गांव में होती है, और मुखवा गांव में यहाँ पर जो मंदिर है वो मार्कंडेय मंदिर है, मुखवा गांव में मार्कंडेय मंदिर है। उस मार्कंडेय मंदिर में मुखवा गांव के जो पुजारी है वो यहाँ पर जो है पूजा करते हैं। तो माँ गंगा जो है शीतकाल में ठंड में जो है उस माँ गंगा का जो निवास है वो मुखवा गांव है, और मुखवा गांव में ही माँ गंगा की पूजा होती है। अच्छा, अगला देखो, और प्रश्न यहाँ से ये निकल सकता है, इफेक्ट ये निकल सकता है कि गंगोत्री के निकट ही भैरव घाटी है जहाँ पर जो जाड़ गंगा है वो भागीरथी में मिलती है, और
एक फैक्ट ये भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कैप्टन रिपर को गंगा का जो स्रोत है इसका पता लगाने के लिए 1808 में ये भेजा था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भेजा था। और सबसे पहला गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला जो यूरोपीय था वो जे बी फ्रेजर ये गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हैं आपने याद रखनी है। थोड़ा सा मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। देखो गंगोत्री, सबसे पहले तो गंगोत्री मंदिर, इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं भागीरथी मंदिर भी इसको बोलते हैं। और इसमें जो मूर्तियां रखी गई है गंगा माता की मूर्ति है और लक्ष्मी की मूर्ति है और अन्नपूर्णा की मूर्ति यहां पर है और माता पार्वती की जो मूर्ति है वो यहां पर रखी गई है। ठीक, अब लोकेशन की अगर हम बात करें, जो आपकी गंगोत्री मंदिर है ये आपका भटवाड़ी ब्लॉक उत्तरकाशी में पड़ता है। भटवाड़ी ब्लॉक उत्तरकाशी में पड़ता है और वहां पर स्थित है। ठीक है, और ये गंगोत्री जो मंदिर है ये आपका यहाँ जो भागीरथी इसके साथ एक नदी है आपकी भागीरथी के साथ जो केदार गंगा ये संगम बनाती इसके संगम पर है। और इसी के निकट में आपका जो आपकी भैरव घाटी, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जाता है, भैरव घाटी में कौन सी नदियां संगम बनाती है, भैरव घाटी में जो भागीरथी इससे जो है जाह्नवी जो नदी है वो संगम बनाती है। ठीक है, अब देखिएगा स्थापना की हम बात करें, इस मंदिर का निर्माण की बात कर रहे हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है वो करा था अमर सिंह थापा ने जो कि नेपाली था, गोरखा सरदार था। ठीक है, उत्तराखंड को जब अटैक करा था, गढ़वाल क्षेत्र पर अटैक करा था, ये अमर सिंह थापा भी इसमें शामिल था। और प्रद्युमन शाह को हराया था तब यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में 1804 की बात है, उसमें गोरखा शासन स्थापित हुआ 1804 से। तो इसका जो निर्माण कराया था वो अमर सिंह थापा ने कराया था, लगभग तिथि मिलती है 1807 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था अमर सिंह थापा ने। और इसका जो पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार कह सकते हैं, इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण कराया था वो ध्यान रखना परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, तो इसका पुनर्निर्माण कराया था माधव सिंह ने कराया था। ये जयपुर के जो है राजा थे, जयपुर आपको पता है राजस्थान में पड़ता है, जयपुर के राजा माधव सिंह ने कराया था 1935 में। तिथि याद रखेंगे, प्रश्न बनेगा इसका जो पुनरुद्धार या जीर्णोद्धार आप कह सकते हैं, पुनर्निर्माण कह सकते हैं, माधव सिंह ने कराया था 1935 में। ये जो है आपके जयपुर के राजा थे माधव सिंह। ठीक है, और देखिएगा दूसरा यहां से प्रश्न ये बनेगा कि जो आपकी माँ गंगा है इनकी जो पूजा होती है शीतकाल में शीतकालीन आवास जो इनका है वो शीतकालीन आवास है मुखवा गांव, ये उत्तरकाशी में पड़ता है मुखवा गांव में इनका शीतकालीन आवास है। और यहाँ पर एक मंदिर है मार्कंडे मंदिर, यहाँ पर मार्कंडे मंदिर में इनकी पूजा होती है, माँ गंगा की पूजा होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला प्रश्न कि शीतकाल में जो माँ गंगा है उसका आवास कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुखवा गांव है। और यहाँ मार्कंडे जो मंदिर है उसमें जो है वो पूजा होती है। ठीक है, और देखिएगा अगला प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यहां पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1808 ईस्वी की तिथि आती है, इन्होंने कैप्टन रिपर को गंगा का जो स्रोत है उसका पता लगाने के लिए भेजा था। ठीक है, लेकिन जो है इसमें आपके अगर हम बात कर रहे हैं, पहला जो यूरोपीय था जो गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचा था, तो 1816 ईस्वी में प्रथम यूरोपीय जो गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचा था, ठीक है, जो पहुंचा था गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचा था, उनका नाम है जे बी फ्रेजर। ठीक है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले कौन सा यूरोपीय है जो यहां पर जो है गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचा, तो आपका आंसर क्या होगा, जे बी फ्रेजर थे जो सबसे पहले यहां गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे थे। ठीक है, तो देखो दो तीन बातें हैं इसमें इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। एक तो यह है कि गंगोत्री जो मंदिर है ये चार धाम में से एक धाम
एक धाम है गंगोत्री धाम, ठीक है, दूसरा यमुनोत्री है, केदारनाथ बद्रीनाथ आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। लोकेशन इसकी कहाँ पर है, उत्तरकाशी भटवाड़ी ब्लॉक पड़ता है वहाँ पर है। और इस मंदिर में गंगा लक्ष्मी अन्नपूर्णा और पार्वती की मूर्तियाँ रखी गई है, ठीक है। और भागीरथी और केदार गंगा यहाँ पर इसी के तट पर है, इसी के संगम पर आपका गंगोत्री मंदिर है। और इसी मंदिर के जो समीप है भैरवनाथ का जो मंदिर है, भैरवनाथ का जो मंदिर है वो भी यहीं पर है। और जो भागीरथी शिला, याद रखना भागीरथी शिला, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि भागीरथी शिला कहाँ पर है, तो भागीरथी शिला राजा भगीरथ ने इसी शिला पर बैठकर, ऐसा बोलते हैं कि बहुत कठोर तपस्या करी थी माता गंगा को स्वर्ग से उतारने के लिए, तो यहीं पर है भागीरथी शिला जो है इस मंदिर के निकट ही है, ठीक है। गंगोत्री मंदिर का दूसरा नाम भागीरथी मंदिर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी पट्टी यहाँ पर भैरव घाटी, इसी गंगोत्री के निकट है भैरव घाटी, और भैरव घाटी में आपका जो भागीरथी है और जानवी है ये संगम बनाती है। इस मंदिर का जो निर्माण है किसने कराया था, अमर सिंह थापा, याद रखना 1807 ईस्वी में कराया था। और जो इसका पुनर्निर्माण है, पुनर्निर्माण है या पुनर्जीर्णोद्धार है, तो इसने कराया था माधव सिंह ने कराया था, जयपुर के राजा थे, ठीक है। 1935 में इन्होंने जो है पुनर्निर्माण इसका कराया था, ठीक है। और शीतकालीन आवास की बात जो है, शीतकालीन आवास अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, ये आपका आंसर होगा मुखवा गांव। और मार्कंडेय मंदिर यहां पर है, मार्कंडेय मंदिर में ये शीतकालीन आवास है माता गंगा का। और 1808 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कैप्टन रिपर को जो है गंगा का जो स्रोत है उसका पता लगाने के लिए 1808 में भेजा था। और लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचने वाला जो पहला यूरोपीय था वो आपका 1816 में जेबी फ्रेजर था, ठीक है। तो चलेगा, आज थोड़ी सी मैंने संक्षेप वीडियो जो है बनाई है, आप इसको जो है थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है थोड़ा, ठीक है, तो आपके लिए मैं जो है क्योंकि आगामी परीक्षा है, परीक्षा होने वाली है, तो इसके लिए थोड़े से मैं गंगोत्री जो मंदिर है उसके बारे में मैंने बताया है। तो आप अपना, मैं दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सलाह भी आपको देना चाह रहा हूँ कि आप अपना मन खराब ना करें, जैसे आप तैयारी करे थे उसी स्पीड से, उसी जोश खरोश के साथ आप तैयारी करते रहें और इन चोरों का जो है इनका विरोध भी करते रहें। हम ये उम्मीद करते हैं उत्तराखंड सरकार और यहाँ के जो विधायक है, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, अन्य जो है, कि वो उत्तराखंड राज्य के लिए एक मजबूत कानून लाएंगे और जो ऐसे चोर पापी हैं उनको जो है जेल में भेजने का काम करेंगे और बढ़िया सा कानून लाएंगे और उम्र की कैद की सजा देंगे और इनकी संपत्तियों को नष्ट करेंगे और उन पर बुलडोजर चलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।